गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर अवर चेंजिंग अर्थ. इसके बारे में हम ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. दीज टू कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता रही हूँ. वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग का मतलब होता है कि हमारे जो ग्राउंड में ऐसे रॉक्स पड़ी होती हैं, चट्टानें पड़ी होती हैं, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ सो मैनी केमिकल चेंजेस एंड सो मैनी फिजिकल चेंजेस, जिसमें मेनली क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, रॉक्स जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती हैं. सो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेज इज कॉल्ड वेदरिंग. फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट हीट से कभी रॉक पार्टिकल्स एक्सपैंड होते हैं, कभी वो उनमें कंप्रेशन होता है, और धीरे धीरे इस तरह वो वीक होते चले जाते हैं एंड फाइनली दे कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. सो डिसइंटीग्रेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. अब क्या होता है कि जो ये वेदर्ड मटेरियल होता है, ये इस तरह का वेदर्ड मटेरियल जो बारीक बारीक हो जाता है, जो सॉइल भी हम इसे कह सकते हैं, पहले छोटे पार्टिकल्स होंगे और धीरे धीरे वो बहुत फाइन पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं. ना व्हाट इज इरोजन? द फर्स्ट प्रोसेस इज वेदरिंग. वेदरिंग का जो ये वेदर्ड मटेरियल है, दिस जो पाउडर्ड मटेरियल है, जब ये अपनी जगह से जहां पर वो है वहां से रिमूव होने लगता है, मूव होने लगता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन. इट इज टेकिंग अवे ऑफ वेदर्ड मटेरियल. सो अब ये उस जगह से हटेगा कैसे? तो देयर आर सो मेनी एजेंट ऑफ इरोजन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन इज वाटर. सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये होता है पानी, रनिंग वाटर. उसके अलावा विंड, उसके अलावा ग्लेशियर, सी वेव्स, दीज ऑल आर एजेंट ऑफ इरोजन. अब इरोजन में इस मटेरियल को ये लोग मूव करते हैं, और उसके बाद ये जो इरोडेड मटेरियल है, ये कभी जाके एक जगह पे जम भी जाता है. नाउ दैट प्रोसेस इज डिपोजिशन. अब हमको देखना है वर्क ऑफ रिवर. ये मैंने आपको पहले बताया भी था, फिर से इसको समझिए कि रिवर जो होती है वो तीनों काम करती है, इरोजन भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी करती है एंड डिपोजिशन भी करती है. तो रिवर का जो ओरिजिन हो रहा है, रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिली एरिया. ठीक है, ये हिली एरिया से ओरिजिनेट होके वाटर इट फॉलोज स्लोप. ये स्लोप की तरफ पानी बहता है. ये आपको सबको पता ही है कि जिस तरफ ग्रेडियंट होगा, स्लोप होगा, उस तरफ को पानी नीचे की तरफ जाएगा. तो जब तक रिवर माउंटेनस एरिया में होती है, हिली रीजन में होती है, तो क्या होता है, स्लोप जो है वो बहुत स्टीप होता है, बहुत तेज स्लोप होता है. और इस स्टीप स्लोप के कारण रिवर का जो स्पीड है, स्पीड भी फास्ट होती है, और फास्ट होने के कारण इसका इसकी जो कटिंग इरोजन की कैपेसिटी होती है वो भी तेज होती है, ज़्यादा इरोजन कर सकती है रिवर. लेकिन जैसे ही रिवर माउंटेनस एरिया को क्रॉस करके प्लेन एरिया में पहुंचती है, तो अचानक से, क्योंकि स्लोप कम हो जाता है, तो रिवर की स्पीड भी कम हो जाती है. और अब रिवर इरोजन के बदले ज्यादा जो काम करने लगती है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. ठीक है, हिली रीजन में रिवर का मेन काम क्या है, इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट किसको? जो ये इरोडेड मटेरियल है उसको अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती है. फिर डिपोजिशन, सी में मिलने से पहले स्लोप बहुत कम हो जाता है, और इस समय रिवर का जो मेन वर्क होता है, दैट इज डिपोजिशन. तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे वाले फेज में रिवर एक काम को बिल्कुल बंद कर दे, लेकिन डोमिनेंसी क्या रहेगी, इन माउंटेनस एरिया रिवर का मेन वर्क है इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन. Why it is so? Because of steep slope. उसकी कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, स्पीड भी पानी ज्यादा फोर्स से बह रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हो, जब रिवर्स बहती है, आप सिंकी रिवर हमारे ईटानगर में दिखती है आपको, तो कितना उसमें ज्यादा हमको ब्राउनिश दिखती है, क्योंकि उसमें पूरा मड मिला हुआ है, बिकॉज इट इज इन हिली एरिया. और वही रिवर जब आसाम में पहुंच रही है, प्लेन एरिया में पहुंच रही है, तो आप देखते हो रिवर के दोनों तरफ हमको सेडिमेंट डिपोजिशन दिखता है, क्योंकि स्पीड स्लो हो चुकी होती है. और वही जब हम बिल्कुल सी के पास पहुंचने वाले होते हैं, तो डिपोजिशन मैक्सिमम हो जाता है. आपको बहुत ज्यादा डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, तो हिली रीजन में जब तक रिवर होती है, हम उसको उसका यूथ कहते हैं.
यूथ स्टेज, ठीक है, एकदम यंग है, ज्यादा पावरफुल है। फिर हम उसको जब ये आगे चलता है तो ये उसका मिडिल कोर्स होता है, बीच वाला कोर्स, इसको हम उसकी ओल्ड स्टेज भी कहते हैं या लोअर कोर्स कहते हैं। अब फर्स्ट स्टेज में रिवर जो बना रही है फीचर्स, दैट इज वाटरफॉल, ठीक है। इसके अलावा रैपिड्स वगैरह भी हैं, दीज आर नॉट इन योर कोर्स, आपके कोर्स में केवल वाटरफॉल के बारे में ही बताया गया है। तो रिवर जब फ्लो कर रही है और रिवर के पाथ में जब उसके रॉक्स आती हैं तो वो सॉफ्ट रॉक्स को ज्यादा तेजी से इरोड करने लगती हैं। ये मान लीजिए सॉफ्ट रॉक में ये इरोड हो रही है तो रिवर का कोर्स डाउन जाते जाएगा। अब रिवर के कोर्स में बीच में जहाँ पे हार्ड रॉक्स आ जा रही हैं, आपको रॉक्स के बारे में पहले ही बता दिया है, जहाँ पे रॉक्स हार्ड है वहां पे इरोजन का स्पीड बहुत कम हो जाएगा और उस समय रिवर तेजी से उस हार्ड रॉक से नीचे की तरफ ऐसे गिर के बहने लगेगी। दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल। तो ये वाटरफॉल है। जब रिवर अपने माउंटेनस कोर्स में होती है तब उस समय वाटरफॉल्स बनते हैं। दिस इज वेरी कॉमन फीचर इन द हिली रीजन। जब यहाँ पे सेकेंड फेज में रिवर आती है तो स्लोप कम हो गया और इस स्लोप होने से रिवर का स्पीड जो है वो ब्रेक होता है, स्लो हो जाता है और रिवर जो स्ट्रीट बह के हिली रीजन से आ रही होती है, इस तरह से वो हिली रीजन से आ रही होती है और जैसे ही प्लेन एरिया में पहुंचती है तो रिवर को जिधर भी स्लोप मिलता है रिवर उस तरफ कर्व बना देती है और धीरे धीरे जैसे जैसे स्लोप कम होते जाता है रिवर ऐसे कर्व्ड फॉर्म में बहने लगती है, जिधर भी स्लोप मिला उस तरफ को घूम गई। तो ये स्नेक की तरह ऐसे रिवर बह के बह रही है। दीज फीचर्स आर कॉल्ड मीएंडर। मीएंडर जो है यूएसए में एक रिवर का नाम भी मीएंडर है और इस फीचर की स्टडी सबसे पहले वहीं पे की गई थी, दैट्स व्हाई दिस फीचर इज नोन एज मीएंडर। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी ये जो मीएंडरिंग है ये इतनी ज्यादा शार्प हो जाती है कि ये जो गोलाई मीएंडर की है बहुत कर्व्ड हो जाती है और कर्व होते होते इतना ज्यादा कर्व बन जाता है कि ये जो इसके लूप्स हैं ये दोनों लूप्स यहाँ पे और यहाँ पे एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं और जो ये पीछे उसका मीएंडरिंग का पाथ है ये पीछे छूट जाता है, ऐसे ये पीछे छूट जाता है और रिवर जो है यहाँ इस मीएंडर को छोड़ के ऐसे स्ट्रेट बहने लगती है। तो ये जो पीछे है इसमें कुछ पानी का अमाउंट भी बच जाता है एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक, ठीक है, इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ये पीछे छूट के रिवर ने अपना रास्ता, अपना कोर्स चेंज कर दिया। तो ये भी मिडिल कोर्स में होता है। और क्या होता है, जब रेनी सीजन होता है तो रिवर का वाटर जो है वो पानी ज़्यादा होने से जो उसका मेन कोर्स है, मेन कोर्स मीन्स जिसमें पानी बह रहा होता है वो फैल जाता है। सपोज कि अब बरसात के मौसम में पानी यहाँ तक पहुँच गया, पहले पानी इतना था अब यहाँ तक भी हमें वाटर मिल गया, अब रेनी सीजन में इसको हम फ्लडिंग कहते हैं, पूरा फ्लड आ गया, जैसे आजकल आप टीवी में भी देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, तो इतना फ्लड आ गया। अब इस फ्लड आने के बाद जब रेनी सीजन खत्म होगा तो वाटर रिसाइड करेगा, वाटर जो रिवर अपने पुराने कोर्स में ही वापस आ जाएगी, ये सब वाटर एवोपरेट हो जाएगा, बह के सी में पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो एरिया जहां तक पानी पहुंचा था वहां तक सेडिमेंट की एक अच्छी खासी लेयर जमा हो जाती है और दोनों तरफ हमको एकदम अच्छा रिच सॉइल का फ्लैट एरिया दिखाई देता है, इसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं। तो दिस इज फ्लड प्लेन, ठीक है। तो रिवर्स के दोनों तरफ हमें मिड कोर्स में फ्लड प्लेन भी दिखता है और फ्लड प्लेन की जो बाउंड्री होती है जहाँ से ये सेडिमेंटेशन स्टार्ट हुआ है वो ऐसे स्टेयर की तरह थोड़ा ऊंचा हिस्सा होता है, उसको लेवीज कहते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ मिडिल कोर्स। अब जब हम यहाँ थर्ड कोर्स में पहुँचते हैं, जब रिवर सी के पास जाने वाली होती है, मिलने वाली होती है, उस समय क्या होता है बेटे कि उस समय स्लोप बहुत ज्यादा कम हो चुका होता है, रिवर का स्लोप बहुत कम हो गया है और रिवर के लिए क्या मुश्किल हो जाता है, रिवर के लिए एक सिंगल चैनल में बहना मुश्किल हो जाता है। सपोज कि रिवर ऐसे मीएंडर्स बना के आ रही है लाइक दिस और ये जो है ये सी है, दिस इज सी,
अब अल्टीमेटली रिवर को सी में जाना है। अब इतना कम स्लोप हो गया कि रिवर सिंगल चैनल के फॉर्म में बह ही नहीं पा रही है। उसको जिधर भी स्लोप, आप स्लोप समझ रहे हैं ना, ढाल, ग्रेडियंट, जिधर भी उसको ढाल मिला, थोड़ा सा पानी इधर बह गया, कुछ पानी इधर बह गया, कुछ पानी इधर बह गया, कुछ पानी इधर, इस तरह से वाटर जो है वो स्मॉल चैनल्स में डिवाइड हो जाता है, छोटी छोटी चैनल्स, वाटर चैनल्स में डिवाइड हो जाता है और इसी फॉर्म में सी में जाके मिल जाता है। सो दीज स्मॉल चैनल्स विच डिराइव फ्रॉम द मेन रिवर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी, इनको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज आर स्मॉल चैनल्स विच आर डिराइव फ्रॉम द मेन रिवर एंड रिवर जॉइन सी नॉट एज अ सिंगल चैनल। रिवर ऐसे सी में नहीं जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, रिवर स्मॉल चैनल्स के फॉर्म में सी में जा रही है। और अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें तो दिस शेप इज इट रिजेंबल विद द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की तरह आपको दिख रहा है और ट्राइंगल को ग्रीक लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड डेल्टा। तो ये जो शेप है बिकॉज इट इज रिजेंबलिंग टू द ट्राइंगुलर शेप दैट इज डेल्टा इन ग्रीक लैंग्वेज, सो दिस फीचर इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा हमेशा सी के पास बनता है, उस एरिया में बनता है जब रिवर सी में मिलने से पहले जेंटल स्लोप एरिया में चैनल्स में डिवाइड हो जाती है और यहाँ पे मैक्सिमम डिपोजिशन होता है। रिवर अपने साथ जितना सैंड सॉइल लेके आई है इन बीच बीच में इसको जमा कर देती है। कई बार तो ये इतने ऊंचे से हमको आइलैंड टाइप दिखने लगते हैं कि हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो हमें सामने की चैनल नहीं दिखाई देती। तो इंडिया की जितनी भी बड़ी रिवर्स हैं जैसे गंगा, कावेरी, गोदावरी, दे ऑल फॉर्म डेल्टा। एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी हमारी कंट्री में है जो गंगा ब्रह्मपुत्र मिलके बनाते हैं। दिस डेल्टा इज नोन एज सुंदरवन डेल्टा। सो बाय दिस रिवर कैन चेंज अर्थ सरफेस। अल्टीमेटली हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर ये है कि अर्थ में किस तरह से लैंडफॉर्म चेंज होते हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे रिवर जो है वो अपने इरोजन, अपने ट्रांसपोर्टेशन और अपने डिपोजिशन से अर्थ सरफेस पे चेंजेस लाती है। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू, इसके बाद हम विंड और ग्लेशियर का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।